the program is demanding universal social security for every citizen and those who are living in India. जो भारत में भारत का सारा निवासी भारत निवासी है उन लोगों को सामाजिक सुरक्षा मिलना चाहिए सबको मिलना चाहिए उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए तो यही हमारा ये प्रोग्राम का उद्देश्य एंड ऑल्सो द इम्पोर्टेंस ऑफ इट इज सीन जब तो कांग्रेस का राहुल गांधी ने तो अभी बताया वो न्यूनतम बेसिक इनकम वो दे देंगे और बीजेपी सरकार का भी सी द मैनिफेस्टो में उन्होंने बताया इस मैनिफेस्टो से पहले बताया फार्मर को दे देंगे पैसे इसका मतलब ये के आइडिया आ गया सब लोगों को सुरक्षा मिलना चाहिए सामाजिक सुरक्षा मिलना चाहिए हम ये बता रहे तो उससे ज्यादा हमको चाहिए तो एक हक की तरह हमको ये सामाजिक सुरक्षा मिलना चाहिए ये एक स्कीम नहीं होना चाहिए इसलिए एक लॉ बनाना है वो लॉ के थ्रू सब लोगों को भारतवासियों को हर व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा मिलना चाहिए जब तो बच्चा है जब तो काम कर रहे हैं काम के बाद ओल्ड एज हो गए सबको सब सारा स्थिति में सामाजिक सुरक्षा मिलना चाहिए यही हमारा डिमांड है जो चर्चा सत्र ऑर्गेनाइज किया गया है इसमें बेसिकली कौन से टॉपिक पे डिस्कशन होने वाला है देखिए हम लोग सन 2004 से निरंतर सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे को लेकर के संघर्षरत है और हमारा शुरुआत में जो मुद्दा था कि हिंदुस्तान का जो असंगठित क्षेत्र का मजदूर है वो 97% है और उसकी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी करने का दायित्व सरकार के ऊपर है जिसके लिए हमने निरंतर संघर्ष किया नतीजा हुआ कि सामाजिक सुरक्षा कानून आया लेकिन पिछले 15 वर्षों में जिस तरह से असंगठित क्षेत्र से लेकर के खेती के क्षेत्र में या समाज के अन्य क्षेत्र में जिस तरह से बुरी तरह गरीबी का दौर चालू हुआ है और पूरे देश में अंदर जिस तरह से कॉर्पोरेटीकरण हो गया है पूरा कॉर्पोरेट का पूरा कब्जा हो गया है और पूरा पूंजी नियंत्रित हो रही है 5% 10% लोगों के कारण से उससे हमें लगता है कि ये जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जो मामला है इस पे बहुत गंभीरता से सोचने का समय आ गया है हमारे प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए 6,000 रुपए सालाना तय किया लेकिन महज 2,000 रुपए की एक इंस्टॉलमेंट भी डाल दी मुझे लगता है कि ये किसानों के साथ एक अन्याय है इसी तरह अभी राहुल गांधी जी ने न्यूनतम आय की बात की न्यूनतम आय में उन्होंने एक 6,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से एक तय किया लेकिन सवाल यह है उन्होंने उस पर एक शर्त भी डाल दी कि ये समाज के सबसे कमजोर तबके या जो बहुत जरूरतमंद है उनकी न्यूनतम आय 12,000 रुपए तक करने के लिए जो बीच में कमी रह जाएगी हम उसे पूरा करेंगे लेकिन सवाल ये है जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट से लेकर के गरीबी से लेकर के हर क्षेत्र में जो चुनौतियां बनती जा रही है चाहे हेल्थ हो चाहे एजुकेशन हो चाहे एम्प्लॉयमेंट हो उसमें जो चुनौतियां बन रही है और जिस तरह से रोजगार की समस्या पैदा हो रही है वो एक इंगित कर रही है कि अब समय आ गया है जब ये सोचा जाना चाहिए कि पूरे देश के प्रत्येक नागरिक को इस देश में जो लोग भी रहते हैं उनके लिए एक निश्चित आय जो उनके जीवन यापन के लिए काम आ सके वो तय किया जाने चाहिए और उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए क्योंकि अब समय आ गया है जब हम अपनी मूलभूत देश का प्रत्येक व्यक्ति अपनी जीवन की मूलभूत जरूरतें जो है उसकी जिम्मेदारी सरकार ले और उसके आगे उसके जो भी सपने हो उसकी जो भी सोच हो उसकी जो क्षमता हो उसका इस्तेमाल वो अपने जीवन को और बेहतर करने के लिए इस्तेमाल कर सके इसलिए समय है कि आज की तारीख में किसी भी हालत में ये एक सीमित वर्ग के लिए सीमित समुदाय के लिए या सीमित मात्रा में इस तरह की न्यूनतम आय के नाम पे कोई भी वायदा करना देश की जनता के साथ एक धोखा है यदि किसी भी हालत में यूनिवर्सल बेसिक इनकम की प्रस्तावना को लाए और ये सुनिश्चित करें कि यदि वो सत्ता में आते हैं तो निश्चित समय के अंदर वो उसको लागू करेंगे ये 2 दिन की कार्यशाला जिस तरह से आप देख रहे हैं
कि 2019 का चुनाव आ गया है और इसको इसमें जो जनता के मूलभूत मुद्दे हैं वो इस पूरे चुनाव की प्रक्रिया में नैरेटिव में आ ही नहीं रहे। हमें हमारा विश्वास यह है कि जनता को उसका नैरेटिव उसके बीच में पहुंचाने के लिए देश के जन संगठनों का, सामाजिक आंदोलन का, मजदूर आंदोलनों की एक भूमिका है कि वो जनता के सामने ये लेके जाए कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम उनका एक प्राइमरी एजेंडा होना चाहिए। और इसी उद्देश्य से हम लोगों ने सोशल सिक्योरिटी नाउ जो हमारा 2009 में हम लोगों ने एक व्यापक प्लेटफॉर्म बनाया था जिसमें देश भर के लगभग 500-600 जन संगठन, सामाजिक आंदोलन, मजदूर आंदोलन के लोग जुड़े हुए हैं, उसके लगभग 15 स्टेट के साथी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम सब लोग यहाँ पे आज अभी जो ये पूरा नया प्रक्रिया शुरू हुआ है इस पे भी गंभीरता से विचार करेंगे और एक रेजोल्यूशन पास करेंगे जो, और उसको लेकर के हम लोग पूरे देश में जाएंगे और लोगों के सामने रखेंगे कि आज की तारीख में वो देश में जो भी राजनीतिक दल इस देश की सत्ता पे अपना अपनी स्थापित करना चाहते हैं वो ये सुनिश्चित उनसे कराएं कि बेसिक यूनिवर्सल स्कीम की योजना के बदले की योजना किसी भी हालत में लागू होनी चाहिए।